गाड़ी लेनी है। आफ्टर सेल सर्विस का एक और नमूना मैं दिखाता हूँ आपको। ये टाटा में विंडशील्ड बदली गई है सामने की, एक्सीडेंट के बाद ये टूटा हुआ था। और इसमें ये मॉडल है XT प्लस डार्क एडिशन। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए लास्ट पे है ये टॉगल, ये लास्ट पे मैंने चलाया, ये वाइपर चल गया और इससे मैं एक ऊपर उठाऊंगा ये ऑटोमेटिक पे आ गया। अब देखते हैं चलेगा या नहीं। जबकि ऑटो हेडलैम्प काम कर रही है, इसका सेंसर ये लगा है, ठीक है, और ये चलेगा नहीं। ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, आप देखिए बहुत मतलब बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, तब ये कहीं एक बार चलता है जैसे पहले वर्क करता था, नहीं करता है। और इसको हम एक नंबर पे लगाते हैं तो स्पीड इसकी देखिए तेज है, इतनी मुझे चाहिए नहीं। ऑटो पे डाला, बिल्कुल ढक जाएगा तब ये सही होगा, उसके पहले ये चलेगा ही नहीं। तो ये सर्विस, अब आप समझ सकते हो कि ये चेक तो वहीं से होना चाहिए था जब आपने गाड़ी डिलीवर की, तो ये सारी चीज़ें देखनी थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जबकि सेंसर लगा है, सारी चीज़ें हैं, इसमें यही होगा कि सेंसर पे जो भी चीज़ें ये पढ़ रही हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं वाटर, और वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं। देखिए दिखना बंद हो गया बिल्कुल। अब मैं ये वाइपर चलाऊंगा तब ये चलेगा और दिखाई देना शुरू होगा, उसके पहले ये वैसे का वैसे ही है। ऐसे छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियोस में दिखाई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। ऑटोमेटिक का पेमेंट किया गया है, उसके बाद ये दिक्कतें हैं, समझो। इसको टाटा अगर देख रहा है तो इसको रिकनाइज करे और भाई इसको कुछ तो सोल्यूशन दे हमको, क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी उसके बाद ये दिक्कत है।